थके हुए हम और घूम घूम पहरा देते हैं इस सुने गलियारे में, सुने गलियारे में जिसकी इन रत्नचटित फर्शों पर गौरव वधुए मंथर मंथर गति से परम तरंगों सी चला करती थी आज विधवा है। थके हुए हम इसलिए नहीं, कहीं युद्धों में हमने बाहुबल दिखाया है, प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में, ढाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बनी, रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ, रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी एक बूढ़े और अंधे की, जिनकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसको अंधेपन ने मर्यादा गलित अंग वेश्या सी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती थी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करती रहे 17 दिन। जिसने अब हमको थका डाला है, मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारी कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था, अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के इस सुने गलियारे में मेहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब झुके हुए हैं हम। सुनते हो कैसी है ध्वनि, ये भयावह है। सहसा अंधियारा क्यों नहीं लगा, देखो तो दिख रहा है कुछ। अंधे राजा की प्रजा कहां तक देख सके, दिख नहीं पड़ता कुछ। हाँ शायद बादल है। बादल नहीं है, वे गिद्ध है, लाखों करोड़ों पाखे खोले। लो सारी गौरव नगरी का आसमान घेर लिया इन गिद्धों ने। चुप जाओ, चुप जाओ, ढालों के नीचे छिप जाओ। नरभक्षी है वे, गिद्ध भूखे हैं। लो ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। मौत कैसे ऊपर से निकल गई, अशकुन है, भयानक है, क्या पता कल तब क्या होगा इस नगरी में। कौन है? देखा धृतराष्ट्र में, देखा है भयानक दृश्य। देखेंगे कैसे, वे अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सकते अब तक वे। मिलूंगा उनसे, अशकुन भयानक है, पता नहीं समझे हम क्या समाचार लाए। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसे प्रत्यंचा कुछ द्रोण न चाहिए। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, शस्त्र दीन आंखों में आंसू भरे हुए, मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को। उछले हुए सांप सा भयावह, किंतु शक्तिहीन है मेरा धनुष, यह मेरे मन जैसा। किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध, पिता के निर्मम हत्या का। वन में भयानक, इस वन में भूल नहीं पाता हूँ, कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे रणभूमि में गुरु द्रोण ने, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्ता पापी दृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। मेरे पिता थे अपराजय, अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुक था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर डाली। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से पृथक नहीं किया। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं ही तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेर।
खाना भी होता है, छुप कर वार करता है, इन हाथों से धनुष मरोड़ा गर्दन मरोड़ छिप जाता है इस झाड़ी के पीछे।